वेलकम टू अवीना नेटिंग आज देखिए आप लोगों की फरमाइश पर फिर से मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे से देखिए अंगूठे वाले सॉक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही कंफर्टेबल हैं बहुत ही देखिएगा गर्म रहेंगे और इस वक्त इनका काफ़ी सीजन है अंगूठे वाले सॉक्स के काफ़ी डिमांड है तो इसी हिसाब से मैं आज आपके लिए ये वाला देखिएगा सॉक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारा लगा है बनने के बाद और बहुत ही आसानी से बन जाता है और देखिएगा इसमें जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसकी वजह से काफ़ी देखिए स्ट्रेचबल है और इसको आप इजीली वेयर कर सकते हैं यहाँ पर तो डिज़ाइन भी इसमें बहुत ही प्यारा लगा है और ये हमने सब ये वाली वोल हमने खुद तैयार की है मैं आपको बताऊँगी कि मैंने वोल किस तरह से बनाई है और यहाँ पर ये देखिएगा ये अंगूठे में भी बहुत सफाई से इस तरह से इसकी शेप आई है और ये किस तरह से बनी ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा पूरी देखिएगा और वीडियो में जो भी मैं आपको स्टेप बताऊंगी आप उसे साथ साथ फॉलो करते रहें तो आप मेरे साथ भी इसको बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से तो फ्रेंड्स चलिए इसको आज बनाना सीखेंगे और वीडियो शुरू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने तीन कलर की वूल ली है थोड़ी सी मेरे पास ये बची हुई वूल थी ब्लैक और ये क्रीम वूल है ये मैंने डिज़ाइन के लिए इसमें ली है बाकी हम इस वूल से इसको बनाएंगे और ये देखिएगा ये मैंने इसके लिए खुद वूल तैयार की है यहाँ पर आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ देखिए नॉर्मल वूल है ये देखिएगा थ्री प्लाई की और यहाँ पर देखिएगा ये मैंने कॉटन की कॉटन का धागा लिया है ये भी थ्री प्लाई का इन दोनों को मिक्स करके हमने ये वोल्स तैयार की है और इसके लिए यहाँ पर देखिए टेन नंबर की नीडल ली हैं और यहाँ पर मैंने फंदे भी डालकर रखे हैं फंदे बिल्कुल आपको सिंपल डालने हैं मैंने यहाँ पर उनचास फंदे डाले यानी कि फोर्टी नाइन और फंदे बिल्कुल सिंपल सिंगल धागे से डालने हैं और थोड़े से फंदों को टाइट रखना है क्योंकि ये हिस्सा हमारा यहाँ पर आएगा तो यहाँ से लूज नहीं होना चाहिए इस तरह से तो यहाँ से ये फंदे थोड़े से हम टाइट डालेंगे और इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर इसमें धागा भी छोड़ कर रखा है सिलाई के लिए देखिएगा ताकि हम यहीं से इसकी सिलाई कर सके यहाँ पर मैंने इसमें धागा छोड़ कर रखा है ये सिलाई का और ये देखिएगा ये यहाँ से आपके पैर में फिट भी आएगा नीचे नहीं जाएगा जैसे हम इतनी लेंथ रखते हैं तो सॉक्स नीचे को चला जाता है उतर भी जाता है तो यहां पर यह बहुत इजीली आ जाएगा और ये मैं देखिएगा पाँच नंबर पैर के लिए बना रही हूं अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं छोटा बनाना है छोटा बना सकते हैं बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे आप इसमें थोड़े से फंदे ज्यादा रख लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर उनचस फंदे रखे हैं आप इक्यावन या तिरपन या पचपन फंदे रख सकते हैं और अगर आप इससे छोटा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें इससे दो दो फंदे कम करते चले जाएं तो आपका ये सॉक्स छोटा बन जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करेंगे और इस प्यारे से सॉक्स को बनाना सीखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो हम यही रिपीट करते हुए इसमें बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे और यहां पर हम यहां से काउंट करते हुए इसमें देखिएगा चार सिलाइयाँ इसी बॉर्डर की बनाएंगे यानी कि एक फंदा सीधा बनाते हुए और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम सीधी तरफ से भी इसी तरह से बनाएंगे उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे नजर आएंगे सीधे फंदों पर सीधे उल्टे फंदों पर उल्टे बनाते हो उल्टी सिलाई को भी बनाएंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल चार सिलाई बनानी है तो चार सिलाई बना लेते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए हमने चार सिलाई का बॉर्डर बना लिया है सीधा उल्टा बनाते हुए अब भी हम यहाँ पर सीधा ही बनाएंगे लेकिन ध्यान से देखिएगा इस सिलाई को अब हम यहाँ से सीधा उल्टा बुनते हुए टोटल तेईस फंदे बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात इस तरह से करते हुए तेईस फंदे बुन लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने ये तेईस फंदे बुनिए हैं। अब देखिएगा तेईस फंदे हम इधर रखेंगे तो हमारे सेंटर में यहाँ पर तीन फंदे रहेंगे अब तीन फंदे के इधर उधर हमें फंदा बढ़ाना है तो देखिए यहां पर इस तरह से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे अब ये जो तीन फंदे हैं सेंटर के इन्हें हम तीनों को सीधा बुनेंगे अब फिर से यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे बाकी फिर से हमारा जैसे पैटर्न चल रहा था देखिए लास्ट में यहाँ पर एक फंदा हमारा सीधा आया था बढ़ाने से पहले तो यहाँ पर भी हमारा एक फंदा सीधा और फिर से इसी तरह से बनाएंगे पूरी सिलाई एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसी तरह लास्ट तक रिपीट करेंगे जी देखिएगा अब उल्टी सिलाई में फिर से हम यहाँ से इसी तरह से बनाएंगे जो फंदे जैसे नजर आएंगे ऐसे ही बनाने हैं एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसी तरह से करते हुए हमें यहाँ पर देखिए फिर से फंदों को बनाना है और जो सेंटर के फंदे थे देखिए जो हमारे तीन फंदे हमने ये इधर से सीधे बनाए थे इधर से उल्टे बनेंगे और एक फंदा हमारा ये बढ़ाया हुआ उल्टा ये उल्टे ही बनेंगे जो फंदे हम बढ़ाएंगे उल्टे साइड से उल्टे बनेंगे तो देखिए तेज़ फंदे बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है यहाँ पर देखिए हमने उल्टे फंदे से शुरू किया था रॉन्ग साइड में उल्टे पर हमारे तेईस फंदे हो गए हैं आप देखिएगा यहाँ पर सेंटर में तीन फंदे हमारे जो हमेशा यहाँ से सीधे ही आएंगे और एक एक फंदा ये बढ़ाया हुआ तो पांच फंदे हमारे ये उल्टे ये देखिएगा एक दो तीन चार पांच पांच फंदे हमारे ये उल्टे आ गए ये वाला फंदा भी उल्टा ये हमारे तेईस फंदे जो थे उनमें का उल्टा फंदा है तो यानी कि सेंटर में हमारे एक दो तो तीन चार पांच छः सात फंदे उल्टे आ गए बाकी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा से बनाएंगे यहां से भी फिर से हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा यहाँ से फिर से हम एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाते हुए लास्ट तक इसी तरह से बनाएंगे अब देखिएगा सीधी सिलाई फिर से हम ऐसे ही फंदों को बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आ, पहले हमने यहाँ पर इस तरह से करते हुए तेईस फंदे बनाए थे अब हमारा एक फंदा बढ़ गया है तो हम यहाँ पर अब इसी तरह से करते हुए चौबीस फंदे बनाएंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए चौबीस फंदे बुन लेंगे यहां पर तो यहाँ तक देखिए हमने चौबीस फंदे बुने हैं तेईस फंदे हमारे यहाँ तक थे ये हमने फंदा बढ़ाया था तो हमारा अब ये उल्टा आ गया है अब ये सेंटर में हमारे तीन फंदे सीधे जो चल रहे हैं अब यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे ये देखिएगा और ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर से यहां पर फंदा बढ़ाएंगे और अब ये वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे ये देखिएगा यहां से और फिर से हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाएंगे तो हमें इसी डिजाइन को रिपीट करना है देखिए बस ध्यान रखना है आपको ये तीन फंदे हमेशा आपके सेंटर वाले सीधे रहेंगे जब आप यहाँ पर एक फंदा इधर बढ़ाएंगे एक फंदा इधर बढ़ाएंगे तो एक बार ये फंदा हमारा सीधा बनेगा एक बार उल्टा बनता जाएगा क्योंकि फंदे इधर साइड में बढ़ रहे हैं इधर नहीं बढ़ रहे हैं तो फंदा इधर एक बार सीधा होगा एक बार उल्टा होगा तो इसी तरह से जब रॉन्ग साइड में भी जाएंगे तो यहाँ पर एक बार सात फंदे हमारे सेंटर में उल्टे आएंगे और एक बार हमारे पांच फंदे उल्टे आएंगे तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है पंदों को इसी तरह से बढ़ाना है दो दो पंदे हम यहाँ से बढ़ाते हुए जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर हमने इसी तरह से इस कलर से देखिए चार लाइन तो हमने बॉर्डर की बनाई है और उसके बाद हमने यहाँ पर दस लाइन बनाई है ये देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पर इसी तरह से बढ़ाते हुए दस लाइन इस कलर से बनाएंगे यानी कि हमने पाँच पंदे इस कलर से बढ़ाए फिर इसके बाद देखिएगा दो दो लाइन हमने दो ब्लैक दो क्रीम दो ब्लैक की बनाई हैं फंदे हम इसी तरह से बढ़ाते हुए गए हैं इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने इसकी बारह सलाई बनाई है इस कलर से और फिर से फंदों को इसी तरह से बढ़ाया है फिर हमने यहाँ पर देखिएगा दो सिलाई ब्लैक दो क्रीम दो ब्लैक से बनाई हैं यहाँ पर इस तरह से करते हुए ये देखिएगा यहाँ तक आपको बनाना है यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए फंदों को इसी तरह से बढ़ाते हुए यहाँ तक आपको बनाना है इसको कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल सिंपल है जैसे मैंने आपको बताया फंदों को बढ़ाना है सिर्फ हमने डिज़ाइन के लिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये लाइनें डाली हैं तो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर दस लाइन है ये हमारी छः लाइन है इस तरह से दो कलर में फिर यहाँ पर हमारी बारह लाइन है फिर से हमारी ये छः लाइन है तो ये कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ तक इसके बाद आगे हम इसमें अंगूठा कैसे बनाएंगे वो देखेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है यहाँ तक यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ मैंने यहाँ पर डाले थे इसमें उनचास फंदे फोर्टी नाइन और यहाँ से फिर चार सिलाई का बॉर्डर बुना और फिर यहाँ दस सलाइयाँ बनाई हैं फंदे बढ़ाते हुए हमने यानी कि यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए दो दो फंदे बढ़ाते हुए फिर यहाँ पर दो ब्लैक दो क्रीम दो ब्लैक फिर यहाँ हमने ये बारह सिलाई बनाई है फिर से दो ब्लैक दो क्रीम दो ब्लैक बनाए तो यहाँ पर हमने सत्रह सन्त सत्रह फंदे बढ़ाए हैं सत्रह फंदे हमने इधर बढ़ाए हैं और सत्रह ही फंदे हमने इधर बढ़ाए हैं अब हमें तीन तीन फंदे और बढ़ाने हैं तीन इधर बढ़ाने हैं तीन इधर और यहाँ पर फंदों को हाफ हाफ भी करना है हमें यहाँ पर अब अंगूठे का पार्ट बनाना है तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा अब हम क्या करेंगे उसको देखिएगा तो यहाँ पर यहाँ तक देखिए हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है अब आगे का हिस्सा देखिएगा आप लोग देखिए यहाँ से तो हम वही डिज़ाइन बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और देखिए हमने यहाँ से इन दोनों धागों को कट कर दिया और यहाँ पर हम इन दोनों धागों को साथ लेकर गए हैं ऊपर तो यहाँ से देखिएगा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम वहाँ तक बुनेंगे जहाँ तक हम फंदा बढ़ा रहे थे हम वहाँ तक इन्हें फंदों को बुन लेंगे तो यहाँ तक यहाँ पर देखिए हमारे टोटल चालीस फंदे हो गए थे चालीस फंदे हमने बुन लिए हैं अब हम देखिए ये हमारे सेंटर के तीन फंदे हैं तो यहाँ पर दो फंदे हम इधर ले लेंगे एक फंदा इधर लेंगे आप इधर दो फंदे ले सकते हैं इधर एक ले सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैंने इस वाले पैर में देखिए यहाँ पर दो फंदे इधर ले लिए थे तो अब मैं दो फंदे इधर ले रही हूँ तो यहाँ मैंने ये मार्कर लगा दिया है यहाँ पर तो अब देखिएगा फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएँगे ये देखिए फंदा बढ़ाते हुए हम यहाँ पर दो फंदे बुन लेंगे ये जो हमने दो इधर लेने हैं देखिए और एक फंदा हम इधर ले लेंगे तो इस तरह से करते हुए, अब यहीं से हम सिलाई को टर्न करेंगे आप देखिएगा जो फंदे हमारे उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा ही बनाएंगे और जो हमारा पैटर्न चल रहा था एक फंदा उल्टा एक सीधा का हम उसी को बनाते हुए यहाँ पर फॉलो करेंगे देखिएगा ध्यान से देखिएगा जो फंदे जैसे नज़र आएंगे उसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ से पलट जाएंगे और इस सिलाई को भी ऐसे ही पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये देखिएगा अब फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए पैटर्न को फॉलो करेंगे जैसे हम बना रहे थे इसी तरह से बनाएंगे और देखिएगा लास्ट में जहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है यहाँ पर फिर से हम इसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ तक एक फंदा सीधा एक उल्टा बना लेते हैं देखिए हमने यहाँ तक फंदे बुन लिए अब फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से फिर से हम ये दो फंदे बुन लेंगे तो इसी तरह से हमें देखिएगा उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे और एक फंदा और बढ़ाएंगे इस तरह से हमें यहाँ पर तीन फंदे बढ़ाने हैं तीन एक और फंदा बढ़ा लेती हूँ मैं उल्टी सिलाई बनाने के बाद इधर सीधी सिलाई में और फिर से हम यहाँ पर उल्टी सिलाई बुनते हुए सीधी तरफ आ जाएंगे तो ये कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से करते हुए छह सिलाइयाँ बनाई हैं और यहाँ पर हमने तीन फंदे बढ़ा लिए हैं यानी कि अब हमारे टोटल जो हमने फंदे बढ़ाए वो इधर हमारे सत्रह पहले हम पढ़ा चुके थे तीन ये हो गए हमारे टोटल यहाँ पर बीस फंदे बढ़ गए हैं अब देखिएगा अभी तक हम ये पैटर्न एक सीधा और एक उल्टा बना रहे थे लेकिन अब हम सिर्फ उल्टा उल्टा बनाएंगे यानी कि अब हम नीचे सोल का हिस्सा बना रहे हैं तो अब हम यहाँ से जितनी भी सिलाइयाँ बनाएंगे चाहे वो हम सीधी तरफ से बनाएं चाहे उल्टी तरफ से बनाएं हम यहाँ पर उल्टी उल्टी बनाएंगे और ये टोटल हम यहाँ पर दस सलाइयाँ बनाएंगे तो दस सलाइयाँ बना लेते हैं यानी कि पर्ल वाइज हमारी यहाँ पर राइट साइड में सॉरी यहाँ पर हम टोटल नौ सिलाइयाँ बनाएंगे तो पर्ल वाइज हमारी यहाँ पर पाँच सलाई पाँच ये बन जाएंगी और जब हम दसवीं सिलाई में जाएंगे यहाँ से दसवीं हमारी सिलाई होगी रॉन्ग साइड से तो हम उसमें अंगूठे के फंदे घटाएंगे तो यहाँ पर हम पहले ये सिलाइयाँ बना लेते हैं नौ सलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं ये मेरी फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पर्ल वाइज तो यहाँ पर मैं आठ सिलाइयाँ और बना लेती हूँ फिर उसके बाद हम फंदों को घटाएँगे यहाँ पर हमने नौ सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं यानी कि पर्ल वाइज हमारे यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच लाइन आ गई हैं अब यहाँ पर उल्टी सिलाई में यानी कि यहाँ पर हमारी दसवीं सिलाई है अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से अब हम पाँच फंदे घटाएँगे यहाँ पर देखिएगा पाँच पंदे हम घटा देंगे इस तरह से तो का एक करते हुए देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच पंदे घटाने के बाद बाकी पंदे जैसे हम बुनते आ रहे थे वाइज ऐसे ही बनाएंगे सारे पंदे उल्टे बनाएंगे यहाँ से इस सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फंदे घटाने के साथ ही यहाँ पर हमारी दस सलाई कंप्लीट हो गई अब दस सलाइयाँ हम और बनाएंगे इसी तरह से उल्टी उल्टी बुनते हुए ये दस सलाइयाँ बनाने के बाद जब हमारी पर्ल वाइज यहाँ पर यानी कि पांच तो हमारी आ गई पांच और आएंगे तो दस लाइन जब हमारी आ जाएंगी तब हम रॉन्ग साइड से फंदों को बंद कर देंगे फंदे सिंपल तरीक़े से ही बंद करेंगे इसके बाद जब हम इधर आएंगे तो इधर भी हमें फंदों को इसी तरह करना है यहाँ पर एक फंदे के बाद फंदा बढ़ाएंगे यानी कि तीन फंदे हम बढ़ा लेंगे तीन फंदे बढ़ाने के बाद आपको फिर से इसी तरह से ये वाली पाँच लाइन बनानी है ये वाली वाइज यानी कि दस सलाइयां बनानी है और उसके बाद हम यहाँ से पंदे पांच घरने घटाएंगे उसके बाद फिर से दस सलाइया बनाएंगे जैसे हम इधर बना रहे हैं तो ये दोनों हिस्से कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम इसको सीना सीखेंगे तो ये बहुत ही आसान है अगर आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मैं आप ये कंप्लीट कर लेती हूँ और इधर का हिस्सा भी कंप्लीट कर लेती हूँ फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे इसमें ये देखिए हमने इसको इस तरह से कम्प्लीट कर लिया है देखिए पहले हमने इसको इधर से बनाया था यहाँ पर और यहाँ पर फंदों की घटाई की थी फिर यहाँ से बनाया तो टोटल हमने यहाँ पर ये पलवाइज़ देखिएगा दस रो बनाई थी इसके बाद हमने भी इधर से भी यही किया यहाँ पर पहले हमने देखिएगा यहाँ पर तीन फंदे बढ़ाए करके और यहाँ से पलवाइज जब पांच लाइन हमारी हो गई तो हमने यहाँ से पांच फंदे घटाए इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनी जब तक कि हमारी ये टोटल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी कि दस सिलाइयाँ फिर से हमारी यहाँ पर पार्लवाइज आ गई बीस सिलाई हो गई हैं तो इस तरह से हमारा देखिए इस तरह से ये सॉक्स बन गया अब देखिएगा हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे पहले हम इसे यहाँ से सीएंगे ये देखिएगा और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ भी मैंने इसमें धागा छोड़ कर रखा है और देखिएगा यहाँ भी मैंने इसमें सिलाई के लिए धागा छोड़ लिया है तो हम इसमें पहले इधर से सी लेंगे देखिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस यहाँ पर हम तीसवीं चैन में एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमें देखिए इस तरह से इसकी सिलाई करनी है ऐसे तो हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है अब इधर भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे तीस चैन के ऊपर तो देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक निशान लगा लिया आप देखिएगा अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इसको धागे को सुई में पिरो लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सिलाई करने के लिए हम इसे उल्टे साइड में कर लेंगे उल्टी साइड से सिलाई करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले हम इसमें ये वाला हिस्सा सीएँगे ये यह देखिएगा यहाँ से अंगूठे वाला हिस्सा सी लेंगे और बिल्कुल सफ़ाई के साथ आपको देखिए मिलाते हुए इस तरह से सीना है इसको देखिए ऐसे करते हुए बिल्कुल न, मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से करते हुए देखिए एक इधर से लेंगे एक बार इधर से लेंगे और इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम यहाँ से सिल देंगे अब वापस से हम धागे को यहाँ पर निकाल लेंगे देखिएगा इस तरह से करते हुए और इसकी सिलाई यहाँ से करेंगे आप ये देखिएगा ध्यान से करिएगा आप लोग बहुत ध्यान से इसकी सिलाई करनी है आपको देखिए उस तरह से मिलाते हुए यह, यहाँ से सीएंगे अब यहाँ से सिलने के बाद देखिए हम इसकी सिलाई यहाँ से करेंगे देखिए वाला हिस्सा सिएंगे बहुत आसान है इसको सीना आप इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इसको सी सकते हैं ये देखिएगा इस तरह से हमें बिल्कुल मिलाते हुए सीना और जब हम यहाँ पे मार्कर लगा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ तक इसकी सिलाई करनी है तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से एक एक चैन में मिलाते हुए इसको यहाँ से सिलेंगे और जहाँ तक हमारा ये मार्कर का निशान है वहाँ से देखिएगा ध्यान से देखिएगा एक चैन छोड़ यहाँ पर इस तरह से लास्ट के चैन तक इसे यहाँ से सीएंगे ऐसे करते हुए देखिए यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा अब इसको इधर मिला लेंगे यहाँ पर ये यह देखिए और जहाँ पर ये देखिएगा लास्ट वाली चैन है यहाँ से और इधर से भी लेते हुए इधर से भी लेते हुए ज, चारों साइड में से लेते हुए हम इसे आपस में ऐसे जॉइंट कर लेंगे देखिए इस तरह से और यहाँ से बिल्कुल टाइट इसको ऐसे कर देंगे ताकि आपस में ज्वाइंट हो जाए अब हम ये वाला हिस्सा सीएँगे तो इसके लिए हम इधर से फिर से देखिएगा सुई को इधर से निकालते हुए इधर का हिस्सा भी सी लेंगे और इसको भी हमें ऐसे ही मिलाते हुए सीना है ये देखिएगा इस तरह से करते हुए ये देखिएगा जब हम निशान लगाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक सिलाई करनी है नहीं तो आप छोटा बड़ा हो जाएगा आपसे आप निशान ज़रूर लगाइएगा तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सिलेंगे यह देखिए यहाँ से लास्ट तक सीते हुए जाएंगे देखिएगा इस तरह से करते हुए यहां से इसको पक्का करेंगे अच्छी तरह से और फालतू धागे को यहां से कट कर देंगे देखिएगा इस तरह अब यहां से देखिएगा अब जहां हमने निशान लगाया था यहां से स्टार्ट करते हुए ये यह देखिए यहां से इस ये हमने ऊन छोड़ के रखा है सिलाई के लिए यहाँ से हम इसको सिलते हुए जाएंगे और जहाँ तक हमारा ये मार्कर है यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे उसके लिए देखिए फिर से हम यहाँ पर ये यह वाला धागा जो हमने इधर छोड़ा था देखिए बॉर्डर की तरफ इसको पिरो लेंगे सुई में आप देखिएगा यहाँ से बहुत सिंपल है इसकी सिलाई यहाँ से जाते हुए यहाँ तक आपको इसकी सिलाई करनी है तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे बॉर्डर से और यहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से पक्का कर लेंगे देखिएगा अब यहाँ से मिलाते हुए सियंगे इसको ये देखिएगा इस तरह से तो ये पूरा सिल देंगे सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका लुक तो यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक हमने इसकी सिलाई की है अब हम इसको सीधा करके दिखाते हैं आपको देखिएगा यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा ये देखिए और पैर में डलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो पैर में डलने के बाद देखिएगा कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी बहुत ही प्यारे से और कंफर्टेबल से ये देखिए सॉक्स हैं और ये जो हमने इसमें सीधा उल्टा फंदा बनाया था इसकी वजह से काफी ये इजिबल और ये जो देखिए हमने यहाँ पर इसमें उल्टा सीधा फंदा बनाया था इसकी वजह से काफी स्ट्रेचेबल हैं ये इजीली पैर में फिट हो जाते हैं तो ये बहुत ही प्यारे से लगे हैं बनने के बाद आप इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी दें कि आपको कैसे लगे अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉक्स और एक नए डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए थैंक यू